ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों के चरण में यथाजोग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री नारद जी कहाँ तक पहुँचे थे, नारद जी कैलाश तक पहुँचे। और श्री नारद जब ब्रह्मा जी के पास में गए बोले पितामह ब्रह्मा जी आपके जैसे भगवान की प्रिय पात्र जगत में कोई नहीं, आप सबसे बड़े भगवान की भक्त है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा मेरे अंदर में तो भक्ति का भाव तक भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत तरह तरह से भगवान के चरण में अपराध किया, मेहनत किया अपराध, विशेष करके मेरे अनुगत में जो भक्त लोग है वो लोग भी अपराध किया है। बोले अगर भक्त देखना तो चले जाओ कहाँ, श्री भोले बाबा के पास में जाओ, शंकर जी के पास में जाओ, वहाँ पर देखोगे कैसे श्री भोले बाबा कैसे भगवान की भक्ति करते हैं। तब श्री 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 शंकर जी के पास में पहुँचे, बोले श्री भोले बाबा की, बोले श्री शिव शंकर की। जब नारद जी श्री शंकर जी के पास में पहुँचे इतने में शंकर जी हरि हर का चिंता में, कहते हर हरि का चिंता में। शंकर जी हर समय उनका जो मुद्रा कैसे देखोगे, ध्यान ध्यान में बैठे हुए, हर समय शंकर जी को ध्यान में बैठे हुए देखोगे। किसको ध्यान करते हैं, कहते भगवान श्री कृष्ण को, भगवान राम को, ये हर समय ध्यान करते रहते हैं। वहाँ जब गए देखा शंकर जी एकदम भगवान की ध्यान में डूबे हुए, बोले अकेले नहीं, उनको साथ में उनको जो पत्नी कौन है, श्री पार्वती। कहती ये पार्वती माता कौन है, कहती माता वैष्णवी, ये माता कहते ना उनका एक स्वरूप वैष्णवी है, इसलिए माता की गले में तुलसी की कंठी है। बोले एक कोई संतत है जम्बू में, वहाँ पर वैष्णवी देवी है ना, एक श्री निम्बार्क संप्रदाय के संतत है, उन्होंने माता जी को दर्शन करने के लिए पहुँचे। जब पहुँचे माता जी मंदिर थोड़ी दूर, उनको पास में रुके, बोले सवेरे माता जी की दर्शन करेंगे। लेकिन पहले माता जी को पास में बलि चढ़ता था, बकरी भैंस बलि चढ़ती थी। जब सवेरे हुआ बलि चढ़ा, मैं भैं भैं सब हो रहे कर रहे थे,
कि बलि चढ़ रही थी। इतने में उस संत ने कहा, भैया ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? बोले माता जी के पास में बलि चढ़ रही है, बकरी भैंस की। बोले बलि? माता जी बलि चढ़ रहे खा रही है? ये माता जी है ना, माता को भी जगत में जितने जीव सब भगवान की संतान है, मतलब वो माँ है ना, माँ मतलब सभी उनका संतान। केवल इंसान थोड़ी संतान, बकरी भी तो उनकी संतान, भैंस भी तो उनकी संतान। बोले बलि चढ़ रहे हैं माता जी को सामने? ये माता जी नहीं, ये चंडी है, ये माता जी नहीं, ये चंडी। हम इनको ऐसे माता जी को दर्शन नहीं करेंगे जो अपना बच्चों का बलि खा चढ़ रहे हैं, खून खा रहे हैं। चलो यहाँ से बिस्तरा उठा, चलो हम दर्शन करने नहीं जाएंगे ऐसे माता जी को। जब उन्हें चलने लगे ना, माता जी जो बड़े पुजारी को स्वप्न दिया, बोले देखो वो जो संत आए हैं वो दर्शन करने के लिए आए थे, वो वापस जा रहे हैं। बोले खबरदार, कल से यहाँ कोई बलि नहीं चढ़नी चाहिए, अगर जो यहाँ पर बलि चढ़ाएगा इसका वंश में ध्वंस कर दूंगी, हैं? इसलिए जाओ उस संतों को लेकर के आओ और बोलो तुलसी माला लेकर के आए, और आज से मेरे गले में ये तुलसी की घंटी पहना दे, आज से मैं वैष्णव बन गई हूँ, इसलिए मैं बलि मेरे पास में नहीं चढ़ेगी। आप देखोगे माता जी के गले में तुलसी घंटी है, जैसे हम लोग तुलसी माला पहनते हैं ना, माता जी के गले में भी ये तुलसी कंठी, माता भी वैष्णवी बन गई, इसलिए उनका नाम वैष्णवी। जो भगवान जैसे हम लोग वैष्णव हैं, इसलिए माता भी ये परम वैष्णवी। इसलिए शंकर जी अपना पत्नी पार्वती और उनको दो बेटे हैं, कौन हैं? गणेश और कार्तिक, इनके दो बेटे। जब नारद जी वहाँ पर पहुँचे ना, देखा पूरा शंकर का जो परिवार है पूरा वैष्णव परिवार, पूरा वैष्णव परिवार। इसलिए संसार हो ऐसे संसार हो, जिस संसार में बेटा भी भजन करे, बेटी भी भजन करे, पति पत्नी सबके सब भगवान की भक्ति सबके सब करे, और जिस घर में ठाकुर का भजन पूजा भक्ति पाठ होता है, भक्त विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? बोले जय दिन गृह भजन देखे गृह ते गोलक भाय। जब हम घर में सबके सब परिवार भगवान की भजन करे, वही वही जो घर है, घर नहीं कहते, वही वृंदावन धाम है, उसका घर ही भगवान की धाम बन गया, उसका घर है। इसलिए शंकर जी का पूरा परिवार वहाँ पर पूरा के पूरा भगवान की कीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, और शंकर जी मस्त होकर के हैं, मस्त होकर के कभी कभी माता पार्वती को जयकार दे रहे थे, कभी गणेश जी की जयकार दे रहे थे, कभी कार्तिक का जयकार। क्यों? सबके सब वैष्णव परिवार, सबके सब भक्त का परिवार सबके सब है। इसलिए नारद जी वहाँ पर पहुँच करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, इनकी शंकर जी की भक्ति देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। इसलिए शंकर जी की जो धाम है वो कैलाश धाम, क्या नाम है? कैलाश धाम उनका है। कहते यहाँ पर जो एक कैलाश है, कहते ये ब्रह्मांड के बाहर एक कैलाश धाम है, और एक जो जहाँ पर श्री नारद जी गए, कहते ये ब्रह्मांड का अंतर्गत में भी एक कैलाश। कोई गए हो कैलाश धाम में? इसलिए कैलाश एक शंकर जी की कैलाश धाम है, हैं? आप लोग फोटो में देखे होंगे कैलाश धाम, वहाँ पर शंकर जी को देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो करके वहाँ पर श्री नारद जी गए, और नारद भी वैष्णव और शंकर जी भी वैष्णव। इसलिए जो द्वादश महाजन में किसके किसका नाम है, बोले स्वयंभू, ये कौन कह रहे हैं? कभी ये जम महाराज खुद जमदूतों को कह रहे हैं। कभी जो धर्म का जो तत्व है, हम 12 व्यक्ति को पता है धर्म तत्व, हम 12 व्यक्ति अच्छे तरह से जानते हैं। कौन कौन वो 12 व्यक्ति? बोले स्वयंभू मतलब ब्रह्मा, नारद, शंभू मतलब शंकर जी, स्वयंभू नारद शंभू कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यासक वयम। ये शंकर ये स्वयं जब महाराज कह रहे हैं, हम जो 12 व्यक्ति ये धर्म तत्व को अच्छे तरह से, हम 12 व्यक्तियों को धर्म तत्व के विषय में अच्छे तरह से पता है, उसमें शंकर जी का नाम भी नारद जी का नाम है। जब एक संत संत से मिलते हैं क्या होता है, बोले चार मिले 64 खिले, उसके बाद में 20 रहे कर जोड़, कहते हरी जन से हरी जन मिले वहाँ से एक करोड़। समझ गए कि नहीं? ध्यान से सुनो,
चार मिले 64 खिले। जब एक संत संत से मिलते हैं, चार मिले इनकी दो आंख और उनका दो आंख, कितना हो गया? चार। पहले चार मिले बोले 64 खिले। 64 खिले मतलब जो दांत 32 दांत हैं। जब एक संत एक संत को दर्शन करते हंसते हैं ना, खुश हो जाते हंसते हैं, इसलिए 64 खिले। बोले दोनों वैष्णव दोनों को देख कर खुश हो गए, इसलिए 64 खिले। बोले 20 रहे कर जोड़, मतलब एक दूसरों को प्रणाम करते हैं। जब भक्त भक्त मिलते प्रणाम करते हैं, इसलिए हमारी भी 10 अंगुल उनका भी 10 अंगुल, कितना हो गया? 20। 20 रहे कर जोड़। बोले हरी जन से हरी जन मिले, जब एक हरी जन से हरी जन मिले बोले वहाँ से 1 करोड़। 1 करोड़ मतलब कहते एक व्यक्ति का शरीर से 50,000, ये हमारी रोमावली है, 50,000 रोमावली, 50,000 50,000 कितना हो गया? 1 लाख। कहते नहीं, ये कहते 50 लाख, एक रोमावली 50 लाख हैं, 50 लाख, 50 लाख कितना हो गया? 1 करोड़। बस जब एक संतों से संत मिलते हैं, बस इनके सारे रोमावली खड़े हो जाते हैं। इसलिए नारद जी जब श्री शंकर जी से मिले, नियम है, क्या नियम है? जब एक भक्त देखना, जब हम भक्तों से मिलते हैं ना, हम प्रणाम करते हैं, भक्तों को प्रणाम करनी चाहिए। ऐसे नहीं आए संतों को देखे, गुरु जी को देखे, ऐसे खड़े रह गए, नहीं, क्या करनी चाहिए? उनके चरण में प्रणाम करनी चाहिए। शास्त्र में बताया, अगर किसी महापुरुष को देख करके आपने प्रणाम नहीं किया ना, उदाहरण दिया, जैसे कोई बड़े पुलिस ऑफिसर है, अगर कोई साधारण पुलिस से देखे अगर सैल्यूट नहीं करना, नौकरी चली जाती है, उसकी नौकरी चली जाती है। इसलिए नियम बताए, जब हम गुरु जी को किसी बड़े वैष्णव का दर्शन करें, क्या करें? पहले हमको प्रणाम करनी चाहिए। अगर प्रणाम नहीं करेंगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, हैं, नौकरी चली जाएगी। मतलब उसको बताए आपको 3 दिन तक बिना खाए भी व्रत रखनी चाहिए और सवस्त्र में गंगा में जा करके नहानी चाहिए। इसलिए जब नारद जी शंकर जी को देखे, नारद जी भी वैष्णव और शंकर भी वैष्णव, दोनों वैष्णव है, इसलिए नारद जी झट उन्होंने शंकर जी की चरण में जा करके प्रणाम करने गए। जब प्रणाम करने के लिए गए, लेकिन शंकर जी को पता है, हैं, यद्यपि नारद जी कृष्ण शंकर से छोटे हैं, शंकर जी से छोटे श्री नारद जी, क्योंकि उनको शंकर जी बड़े भाई है, शंकर जी बड़े भाई, नारद जी उनके छोटे भाई लगते हैं, ये बड़े हैं। लेकिन बड़े होने पर भी जो भक्ति में है ना, शंकर जी को पता है नारद जी कितने भगवान के प्रिय भक्त हैं। इसलिए जब प्रणाम करने के लिए आए, इतने में शंकर जी उनको प्रणाम करने नहीं दिया, दोनों दोनों को आलिंगन किया, हैं, दोनों दोनों जब बराबर होता है दोनों दोनों को आलिंगन करते हैं। आलिंगन करके पास में बैठा नारद जी को, बोले आज मेरे तो भाग्य उदय हो गया, क्यों? नारद जैसे भगवान के भक्तों का दर्शन हो जाए। इसलिए जीवन में जब किसी भक्तों का दर्शन हो जाए ना, जीवन में समझो इससे बढ़िया दिन और कुछ भी नहीं जीवन में। संत दर्शन सहज में नहीं मिलता है, बड़े भाग्य से कहीं संतों का दर्शन मिल जाता। संत दर्शन मिल गया मतलब है तुम्हारी बड़ा पार है, संसार से तुम्हारी उधार। इसलिए बोले जगत में सबसे बड़ा सुख किया और जगत में सबसे बड़ा दुख किया है। बोले जीवन में सबसे बड़े आनंद है अगर जीवन में अगर कोई शुद्ध साधु का दर्शन हो गया। भले ही तुम्हारी, हमारे प्रभुपाद कहते हैं, भले ही संसार का सबसे बड़ा अमंगल है, लेकिन अगर उसी दिन की साधु का दर्शन मिल गया, समझो तुम्हारे जीवन का सबसे बढ़िया दिन है। कर जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है जब हमसे संत अलग हो जाए, जब संत इस संसार छोड़ करके संत चले जाते हैं। कहती है पृथ्वी का सबसे बड़ा हानि संत जब इस संसार से चले जाए। इसलिए श्री शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, आज नारद जैसे संतों का दर्शन मिला, आसन देख करके उनको स्वागत किया, उनको बैठाया। जब बैठाया इतने में नारद जी तो शंकर जी की महिमा गाना शुरू कर दिया। एक पुराण में शंकर जी को जहाँ पर भगवान रूप में वंदना करते हैं, हे शंकर जी को तो भगवान 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 बोलना शुरू कर दिया। इतना सुनते ही शंकर जी अपना कान में अंगुल डाल दिए, हैं, अंगुल डाल कर बोले तू क्या बोल रहे हो, इसको क्यों सब बात बोल रहे हो, तेरे को पता नहीं हम भगवान की दास हैं। इसलिए शंकर जी को बताया वैष्णवानाम यथा संभो,
वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ श्री भोले बाबा हर जन्म में शंकर जी क्या करते हैं, भगवान की सेवकाई करते हैं, हर जीवन में सेवकाई किया। इसलिए देखा जब शंकर जी के स्वरूप में हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं रुद्र देह त्यज नेहा बस वानर भय हनुमान, उनने रुद्र देह को त्याग देकर हनुमान बनकर के क्या कर रहे हैं, प्रभु राम की चरण की सेवा कर रहे हैं। जब श्री अद्वैत आचार्य रूप में आए महाप्रभु के चरण की उन्होंने सेवा की, खूब महाप्रभु को खिलाया, रसोई बना करके महाप्रभु की खूब चरण दबाए। महाप्रभु कभी कभी उनको सम्मान देते थे, लेकिन कभी कभी ये बिगड़ जाते थे, बोले ये मेरे प्रभु होकर के मेरे को सम्मान देते हैं। इसलिए एक दिन उन्होंने ऐसे जोग वासिष्ठ ऐसे मायावादी को व्याख्या किया, ऐ महाप्रभु आकर के पिटाई किया, खूब उनको खूब पिटाई किया, ए नाचने लग गए, आज जीवन सार्थकता हो गया, हम तो यही चाहते थे आप मेरे को शासन करो, आप मेरे को शासन करो है। इसलिए उन्होंने बोले आपको पता नहीं मैं भगवान की सेवक हूँ, मेरे को तुम भगवान बोल रहे हो, नहीं मेरे को तुम भगवान मत बोला करो। जब शंकर जी की उन्होंने खूब महिमा गाई, बोले आपकी कृपा से कितने व्यक्तियों को भगवत भक्ति मिला। इसलिए कल सुन रहे थे ना, शंकर जी की कृपा से नरसिंह भक्तों को कृष्ण भक्ति मिली। शंकर जी की जब सही सही किसी व्यक्ति के ऊपर सही सही शंकर जी कृपा करते हैं, कहाँ तक पहुँचा देते हैं, इनको लेकर के ठाकुर तक शंकर जी पहुँचा देते हैं, इनकी सही कृपा। अगर कोई शंकर जी की पूजा की लेकिन ये भगवान की भक्ति राम और कृष्ण भक्ति तक नहीं पहुँचा, तो ये समझो शंकर जी की उसके ऊपर कृपा है ही नहीं, शंकर जी उसको वंचित कर दिया, उसको शंकर जी वंचित कर दिया। अगर उन्होंने भगवान तक पहुंचा दिया तो समझना ठाकुर जी की पूरा कृपा इनके ऊपर में, शंकर जी की पूरी कृपा शंकर जी के इनके ऊपर में। इसलिए जो व्यक्ति माता जी की भी उपासना करते हैं, माता जी क्या करती हैं, लास्ट तक उनको लेकर के भगवान तक, कृष्ण तक, राम तक पहुँचा देती हैं। देख कल एक कथा सुना था और एक कथा सुन लो, बोले एक समय दो भाई थे, एक रामचंद्र कविराज और एक का नाम गोविंद दास, ये दो भाई थे। कभी जो रामचंद्र कविराज ये राधा कृष्ण की भक्ति करते थे, और जो उनके छोटे भैया जो गोविंद ये माँ की उपासना करते थे, एक घर के कोने में एक राधा कृष्ण को भक्ति करे और एक कोने में बैठ करके माँ की सेवा करे। इतने में जो रामचंद्र कविराज जो राधा कृष्ण को भक्ति करता था, वो छोटे भाई को बोलता था, बोले देख शक्ति दो नहीं शक्ति एक है, और जो मूल शक्ति लादिनी या महाशक्ति सर्वशक्ति बरियसी, जो लादिनी शक्ति पराशक्ति स्वरूप शक्ति भगवान की जो अंतरंगा शक्ति वो श्रीमती राधा रानी, और इनकी ही कायव्य हो इनकी ही प्रकाश उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी काली दुर्गा अम्बिता सुभद्रा, ये जितने हैं कि राधा रानी से ही ये प्रकाश होते हैं। जब हम राधा रानी को पूजा करते हैं, एक लक्ष्मी नहीं, एक शक्ति नहीं, अनंत करोड़ों शक्तियों की पूजा अपने आप हो जाता है। इसलिए भैया तुम क्यों दुर्गा देवी को पूजा कर रहे हो, राधा रानी को पूजा करना। लेकिन वो बोलता था देख हम बचपन में ये माँ को पूजा करते 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 ना मेरा मन तो इनके चरण में लग गया, अभी मैं कोशिश करने पर भी मेरा मन इनके चरण से हट नहीं गया, क्योंकि बचपन में इनकी पूजा करते करते आया हूँ। वो बोलता था एक दिन क्या हुआ, उनका अंतिम लास्ट समय आया, जब आया वो अंतिम बेड में लेट हुए अंतिम बेड में, और जो गोविंद दास वो था बहुत बड़ा कवि था, बड़ी सुंदर सुंदर भजन लिखता था, बड़ी प्यारी प्यारी भजन लिखता था, बड़ा सुंदर कवि था, लेकिन अंतम सज्जा में लेटा हुआ, जब लेटा हुआ इतने में देखा तो मरने वाला मैं हूँ, इतने में उसने अपना माँ को देवी को बुलाया, बोले माँ जिंदगी भर मैंने तुम्हारी उपासना की भक्ति की। जब उन्होंने माँ बोलकर पुकारना सचमुच से माँ स्वयं प्रकट हो गई, बोले बेटा क्या चाहते हो, बोले मैया मेरे को तो ये संसार का कोई चीज़ जरूरत है नहीं, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत इतना स्वर है, अगर देना तो मेरे को मुक्ति दे माँ, मेरे को मुक्ति प्रदान करो। माँ स्वयं कहती हैं, बोले बेटा मुक्ति मेरी हाथ में नहीं, मुक्ति तो केवल मुकुंद का हाथ में, इसलिए कृष्ण का एक नाम मुकुंद, मुकुंद मतलब क्या, मुक्ति ददाति ज स एव मुकुंद, जो मुक्ति को प्रदान करते हैं वो कृष्ण का नाम, इसलिए मुक्ति
मुकुंद है। कभी ये मुक्ति तो केवल ये मुकुंद ही कृष्ण ही दे सकते हैं, मेरे हाथ की बात नहीं। इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, तुम भगवान कृष्ण को भक्ति करो, वही तुम्हें मुक्ति दे सकती। माँ स्वयं ये उपदेश देती। तो उन्होंने देखा मेरे भैया भी तो यही बात कहता, तू राधा कृष्ण को भक्ति कर। अरे मैं भक्ति नहीं करता था, वो अंतिम सज्जा में लेटा हुआ था। जब माता जी ने ये बात बताई, वो तो बहुत बड़ा कवि था, इनका पहला कविता सुनो क्या उन्होंने बोले। बोले भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणाय भजन ही उन्होंने ऐसे ही एकदम लेट लेट अवस्था में इतने सुंदर सुंदर ठाकुर जी का वंदना की, बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने भजन गाए। बोले उन्होंने ठाकुर जी को, बोले ठाकुर जी आप ही हमें ये मुक्ति दे सकते हो, आपके चरण में ही अशोक अभय अमृत है, हमें माँ स्वयं ये बात बताई, आप अपना चरण में हमें स्थान प्रदान करो। उन्होंने ये भजन को लिखे। इसलिए यहाँ नारद जी कहते हैं बोले आपकी कृपा से, शंकर और माता जी की कृपा से बहुत व्यक्तियों को भगवान की भक्ति भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई। और श्री नारद जी कहते हैं बोले शंकर जी आपको तो बहुत लोग उपासना की है, आपको बहुत लोग उपासना की। बोले कौन कौन? बोले जयद्रथ ने उपासना की। आपको पता होगा महाभारत देखेगी नहीं, जिस समय अर्जुन ने जयद्रथ द्रौपदी को अपहरण कर रहा था, महाभारत देखे हो, जब अपहरण कर रहा था इतने में अर्जुन ने क्या किया, भीम अर्जुन पकड़ कर ऐसे पिटाई उसको की, और लास्ट में मुड़ मुड़ा करके पांच छोटी रख करके छोड़ दी। वो इतने अपमान हुई, उसने शंकर जी को पूजा की। जब शंकर जी की उपासना की, शंकर जी बोले बर्मा गो, बोले ये पंच पांडवों को मैं हराना चाहता हूँ, पंच पांडवों को मैं हराना, ये आशीर्वाद दो। शंकर जी बोले नहीं, हाँ ये कर सकता हूँ एक दिन के लिए, अर्जुन के सिवाय तुम ये चारों को तुम परास्त कर सकते हो। वो कौन सा दिन थी? जिस दिन चक्रव्यूह रचना की, और जिस दिन ये हमारे कौन अभिमन्यु की जिस समय मृत्यु हुई है, अर्जुन चला गया नारायणी सैनी को पीछे, और चक्रव्यूह केवल हमारे अभिमन्यु ने माँ की सुभद्रा की पेट में रहते समय चक्रव्यूह भेद की बात सुने थे, लेकिन सुभद्रा सो गई तो उन्होंने बोल नहीं पाए, उनको और पता नहीं था, और उसी दिन ही अभिमन्यु का वध हुआ, और कोई ये चक्रव्यूह को भेद नहीं कर सके। कहते प्रभु आपने ये वरदान तो दिया जयद्रथ को, लेकिन परास्त की जयदान आपने नहीं दिया है, हैं? फिर उदाहरण दिए, कहते श्री उसका नाम क्या है, अरे राक्षस का नाम, उषा का पिताजी का नाम क्या, हाँ बाणासुर। कहती जो बाणासुर है, कहती है बाणासुर का एक बेटी थी जिसका नाम थी उषा, बहुत सुंदरी बड़ी प्यारी थी। एक दिन उसने स्वप्न देखा, अनिरुद्ध को उसने स्वप्न देखा, बड़ा सुंदर अनिरुद्ध आया और बड़ा प्रेम करके कहीं चला गया, वो तो पागली नहीं हो गई। इतने में उसका जो सखियाँ थी बड़े विचित्र विचित्र, उसमें एक सखी का नाम थी चित्रा, वो जोगी नहीं जानती थी, जोग विद्या जानती थी। बोले क्या हो गया? बोले एक सुंदर पुरुष को मैंने स्वप्न देखा आया और मेरे को प्रेम देकर कहाँ चला गया। बोले बताओ वो कौन है? इतने में वो चित्रांकन करने लगे, देवता अप्सरा गंधर्व। बोले कोई ये कोई है? बोले कोई नहीं। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण का फोटो आंका ना,
बोले इससे मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता है। फिर जब उन्होंने अनिरुद्ध का उन्होंने फटवा का हैं, बोले यही है। उसने पूरा के पूरा उड़ा करके हैं, पूरा द्वारका से खटिया समेत उसको उड़ा करके ये चित्रा सखी को पास में ले आया। लेकिन जब बाणासुर को ये बात पता चला ना, घमासान लड़ाई हुई, लड़ाई हुई। ये अनिरुद्ध इतना पराक्रमी था, ये बाणासुर को खत्म कर सकता था, लेकिन देखा ये ससुर साहिब लगेंगे, बाद में तो शादी होगी, इसलिए ससुर जी को मार करके क्या लाभ है। लेकिन उन्होंने उनको बंदी बना दिया। लेकिन जब ये बात नारद जी ने जाकर के बोला, बोले इतने बच्चे जन्म दिया, पता है अनिरुद्ध कहाँ पर, बोलते यही सोच रहा हूँ, कुछ दिन तक पता ही नहीं। बोले ये बाणासुर ने बंदी बना कर रखी। बोले क्या, बाणासुर ने बंदी बनाया? क्योंकि ये जो बाणासुर था, ये शंकर जी की पूजा करता था, शंकर जी की पूजा करता था बाणासुर। एक दिन ये बाणासुर ने ड्रम बजाया और शंकर जी बड़े प्रेम से, कृष्ण प्रेम उन्माद होकर खूब सुंदर नृत्य की। हे शंकर तो खुश हो गए, बोले वाह तुमने दोनों हाथ में ड्रम बजाया, मेरे को इतना आनंद आया, मैं तुमको 1000 हाथ देता। जब 1000 हाथ से तुम ड्रम बजाओगे, मैं कृष्ण प्रेम में खूब नृत्य करूंगा। लेकिन जब 1000 उसको हाथ मिला, इतने शक्तिशाली हो गया, जिसको पास में जाए डर के मारे सब भाग जाए, और एक एक मुष्टि का घात मारता था, एकदम पहाड़ को चकना शुरू कर देता था, इतने बलशाली बना। जगत में इनकी कोई समक्ष रहा ही नहीं, युद्ध करने के लिए सब भाग जाए। इतने में श्री शंकर जी को बोले, शंकर जी आप मेरे को इतने ताकत दे दिया, अभी मेरे हाथ में तो खुजलाट मच रहा है, इसलिए मेरे साथ में दो हाथ कर लो। शंकर जी बोले, दुष्ट मैंने तुमको आशीर्वाद दिया, मेरे आशीर्वाद से इतने शक्ति मिली, और तुम मेरे से युद्ध करने के लिए चाहते हो? बोले तेरे सारे खुजलाट हाट सब खत्म हो जाएगा, जब तुम्हारी घर की जो झंडा गिरेगा अपने आप, तब पता चलेगा अपने आप झंडा उसको गिर गया है। इतने में श्री कृष्ण का जो पता चला, उसको बेटे को बंदी बना दिया। कृष्ण एकदम अपना 100 गण को साथ में, देखो महाभारत युद्ध सुने हो? कौन कौन महाभारत युद्ध देखे हो? टीवी में देखे कि नहीं महाभारत युद्ध? कहती जो महाभारत युद्ध है वो कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। आपको पता होगा जो भीम से ये पितामह भीष्म के ऊपर जब कृष्ण क्रोधित हो गए, एक दिन कृष्ण इतने क्रोधित होकर रथ चक्र को लेकर जब चले, पृथ्वी कांप उठी, हैं पृथ्वी कांप उठी, केवल उन्होंने चक्र को पकड़ लिया था इसलिए। लेकिन यहाँ पर युद्ध में कौन कौन? साक्षात कृष्ण अकेले नहीं, श्री दाऊ भैया के साथ में, उनको बेटा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनके चतुरंगिणी सेना जदुवंशी, पूरा का पूरा एक तरफ में, दूसरे तरफ में कौन? स्वयं भोले बाबा, स्वयं भोले बाबा दूसरे तरफ में, और ये बाणासुर, माता स्वयं पार्वती स्वयं थी, हैं माँ पार्वती, उनके पूरा सैन्य सामंत साथ में। क्या घमासान युद्ध हुई। युद्ध करते 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 उन्होंने, शंकर जी स्वयं आए थे युद्ध करने के लिए, कृष्ण ऐसे बाण मारे जिभ्रणास्त, मतलब जो जम्भाई आने लग जाए। ए शंकर की तो जम्भाई के ऊपर जम्भाई, युद्ध में जम्भाई क्या क्या था, भाग गए शंकर जी वहाँ से, हैं वहाँ से शंकर जी भाग गए। और इतने में भगवान अपना सुदर्शन चक्र से उसका जो 1000 हाथ था ना, किसका? बाणासुर का, मारे सुदर्शन चक्र और सारे हाथ को काटने लग गए, सारे हाथ को काटना लगे। काटते काटते जब 2 हाथ रह गया ना, इतने में शंकर जी आ गए, बोले प्रभु ये मेरे भक्त है, इसको मारो मत, ये मेरे शरणागत, ये मेरे भक्त, प्रभु मारना नहीं। कृष्ण ने कहा इसको मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि ये प्रह्लाद का वंश में आया, मैंने प्रह्लाद को वरदान दिया, प्रह्लाद तू मेरे इतने भक्ति की, तेरे वंश में कोई भी आएगा ना, वो जितने दुष्ट क्यों नहीं हो, मैं कभी उसको मारूंगा नहीं, मैं खुद वरदान दिया है, उसका अभिमान को मैं तोड़ रहा था। इतने में शंकर जी बाणासुर को बोले, जाओ ठाकुर का चरण में शरणागत हो जाओ। फिर बाणासुर ने ठाकुर के भक्त बन गए। देखो यहाँ शंकर क्या शिक्षा देते हैं, मतलब कोई कोई कहते ना शंकर जी भगवान से भी बड़े, शंकर जी स्वयं शिक्षा दे रहे हैं, मैं अपना सब परिकर को साथ में, सारे ताकत मैंने लगा दिया प्रभु से युद्ध करने के लिए, लेकिन प्रभु ने क्या किया, मेरे को परास्त कर दिया, और लास्ट में मेरे चरण में जो शरणागत था उसको मार रहे थे,
लेकिन लास्ट में मैंने जाकर के माफी मांगा और मैंने क्या किया, इसको लेकर के प्रभु के चरण में समर्पण कर दिया। मतलब शंकर जी शिक्षा देते हैं, अगर मैं किसको पर मैं सही सही कृपा करता हूं ना, उसको लास्ट में लेकर कृष्ण चरण में शरणागत करा देता हूँ। ठाकुर जी के चरण में मैंने उसको शरणागत करा देता हूँ, हैं, शरणागत करा देता है ठाकुर जी। फिर उषा को साथ में अनिरुद्ध का बड़े धूमधाम से शादी हो गया, इनके बेटा इनके बेटी फिर आपस में क्या हो जाते हैं, अरे सड़ू हो जाते हैं ना, क्या बोलते हो, समधि। इसलिए आपस में ये कृष्ण को साथ में बनासुर की समधि हो गई। इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी कह रहे हैं, बोले प्रभु देखो शंकर जी कितना वरदान दिया, कितना अपराध किया, लेकिन शंकर जी अपराध करने पर भी, युद्ध करने पर भी आप कभी शंकर जी के ऊपर कोई बिगड़े नहीं, कभी शंकर जी के ऊपर ठाकुर जी कभी नहीं बिगड़े। बड़े से बड़े अपराध किया शंकर जी, रावण को भी उन्होंने वरदान दिया, रावण ने क्या किया, पूरा सीता को उठा कर ले गए, हैं, लेकिन कभी शंकर जी के ऊपर में ठाकुर जी कभी बिगड़े नहीं। ऐसे शंकर जी आपकी प्रिय भक्त है, जब ने शंकर जी की इतने महिमा शंकर जी गाए, शंकर तो लज्जित हो गए। फिर शंकर जी कहते देखो हाँ जानते हो मेरे अंदर में कमी क्या, बोले क्या कमी, फिर शंकर जी अपना कमियों को फिर बताएंगे, फिर कमी क्या बताएंगे, फिर हम इसको कल सुनेंगे। हमारे चिराग प्रभु जी आज हमारे श्री बामन गोस्वामी महाराज, जानते कि नहीं बामन गोस्वामी महाराज, हमारे जो बड़े गुरु जी की ये गुरु भाई श्री बामन गोस्वामी महाराज, इनकी इच्छा है इनके दिव्य चरित्र के ऊपर में ये कुछ बोलना चाहते हैं। माइक ले लो, वंशा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यश्च पतनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने श्रीपाद सद्गुरुदेव पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्री श्रीधर महाराज जी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम वंदन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव श्रीपाद श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में बार 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 वंदन करता हूँ। हरे कृष्णा। भगवान की श्री गौर हरि की दिव्य कृपा से मानव जीवन का उत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोगों को श्रवण करने का, श्री महाराज जी के चरण आश्रित होकर के चरणों में बैठ करके श्रवण करने का सत्सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, श्री महाराज जी का आदेश हुआ कि हमारे गौड़िया वैष्णव की विशिष्टतम विभूति श्रीपाद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के चरित्र पर मैं कुछ कहूँ। वैसे तो ये वाणी सामर्थ्य नहीं रखती है, पर श्री महाराज जी की कृपा और आप लोगों का दिव्य आशीष और श्रीपाद श्री वामन गोस्वामी महाराज जी का दिव्य प्रसाद यदि जिस व्यक्ति पर हो तो वह महाराज जी पंगुम लंगते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीन तारण। हमारे श्रीपाद श्री वामन गोस्वामी महाराज जी का अद्भुत चरित्र है। महाराज जी इनका जन्म 1921 में हुआ है। ये महाजन ही थे, जन्म से ही द्वादश तिलक इनके ऊपर सुशोभित थे, प्रतिष्ठित थे और श्रीला प्रभुपाद जी के नित्य परिकर थे। इस कारण से इनका दिव्य जीवन चरित्र है। दास ने ऐसा भगवत प्रेरणा से श्री महाराज जी की कृपा से इनका चरित्र जो है छंदबद्ध करके और आपके सामने सुनाने का दास उपक्रम कर रहा है। आप श्री महाराज जी से आज्ञा है, श्री महाराज जी से आज्ञा लेते हुए मैं इनके दिव्य चरित्र पर कुछ कहूं। गाई वे हरि गुरु संत सुजस जग प्रगटे वामन गोस्वामी पाद। गाई वे हरि गुरु संत सुजस जग प्रगटे वामन गोस्वामी पाद। वामन गोस्वामी पाद जिनका गौर चरण अनुराग। हाँ वामन गोस्वामी पाद
जस जग प्रगटे वामन गोस्वामी पाद जन्मते द्वादश तिलक सुशोभित सकल कुटुम प्रभु पाद के आश्रित नाम संतोष देत संतोष शुद्ध आचरण बिनु कोई दोष परम विद्वान गुणों के कोष करने परिक्रमा नवद्वीप की आए बुआ के साथ दृश्य सकल लीला स्थली पुलकित ताके गात लोटू नहीं अब ही घर को लगे चरणों में बिलखात हाँ लोटू नहीं अब ही घर को लगे चरणों में बिलखात गाइबे हरि गुरु संत सुजस जग प्रगटे वामन गोस्वामी पाद। इनका बचपन का नाम संतोष था। ये इनको देखते ही लोगों के मन में संतोष की भावना प्रस्तुत हो जाती थी, इसलिए इनका नाम संतोष रखा गया। इनका आचरण इतना शुद्ध था, कोई दोष नहीं था इनके आचरण में। महाराज एक बार क्या हुआ, इनकी बुआ को ये बहुत प्रेम करते थे, इनकी बुआ भी इनको बहुत प्रेम करती थी, तो इनकी बुआ के साथ ये नवद्वीप परिक्रमा में आए। तो जब नवद्वीप परिक्रमा में आए तो श्रीमद महाप्रभु की दिव्य लीला स्थली को देख करके ऐसा रोमांच हो गया इनको, ऐसा रोमांच हो गया। तो जब नवद्वीप परिक्रमा समाप्त हुई तब इनकी बुआ बोली चलो घर चलो घर। तो ये रोने लग गए जोर जोर से, नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे यही रहना है यही रहना है। इनके चाचा जी जो थे भक्ति कुशल नारसिंह महाराज जी थे, तो वो क्या थे, वो उधर उस समय ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने इनकी बुआ को समझाया कि कोई बात नहीं बच्चा है, अभी हम इनका ख्याल रखेंगे, अभी तो इसको यहीं पर ही रहने दें। महाराज इनकी अद्भुत कौशल जो था वो अद्भुत था, क्या वर्णन कर सके इनके कौशल का। इस कारण से फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, जब इनकी बुआ घर पे लौटी तो जब इनके माता पिता को बताया कि वो नहीं आया, वो वहां पर ही रुक गया, तो इनके माता पिता एकदम से विफल हो गए कि बच्चा ऐसे कैसे वहां पर रह गया। तो इनकी याद सताने लगी, जब इनकी याद अतिशय महाराज बहुत ज्यादा हो गई तब वे सारा इनका परिवार आया। जब इनका परिवार आया तो ये इनसे कहा बेटा चल। तो महाराज प्रभुपाद जी के आश्रित थे और महाराज विनोद ब्रह्मचारी जो थे हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, उनसे इनका बड़ा प्रेम होता। जब ये इनको परिवार वाले लेकर के आ रहे थे कि चलो चलो चलो, तो ये रोने लग गए जोर जोर से, नहीं मुझको नहीं जाना, नहीं जाना मेरे को इधर ही रहना है, इधर ही रहना है। तो महाराज क्या हुआ, अब ये नहीं जाना चाहते थे तो इनके चाचा जी ने समझाया कोई बात नहीं, यदि बच्चा नहीं जाना चाहता तो इनको जिद मत करो, यहाँ पर भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट है जो उसमें इसकी यहाँ पे सांसारिक पढ़ाई भी हो जाएगी और यहाँ पर रह करके नवद्वीप में इनकी जो है परमार्थिक पढ़ाई भी हो जाएगी, तो आप लोग चिंता मत करो। महाराज तो इनको वो यही छोड़ करके चले गए। इनकी सेवा में निष्ठा की झांकी देखिए, इतनी अद्भुत झांकी इनकी सेवा में निष्ठा, बहुत देखिए नैसर्गिक प्रेम था गुरु और वैष्णवों में। अच्छा नैसर्गिक प्रेम का अर्थ क्या होता है, नैसर्गिक प्रेम का अर्थ होता है कि यदि हम वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं तो महाराज उत्तम से उत्तम सेवा उनको प्राप्त हो इसकी पूरी चेष्टा। जैसे हमारी श्री राधा रानी है श्री कृष्ण की दिव्य सेवा करती है, तो यदि किसी और के पास श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं तो श्री राधा रानी कहती है कि श्री राधा रानी कहती है कि यदि मेरे से कोई अच्छी यदि कोई सखी मुझसे बढ़िया श्री ठाकुर जी की सेवा करे तो श्री गोविंद वहां पर जाए, इससे उनको कोई कष्ट नहीं है। इसको कहते महाराज नैसर्गिक सेवा, नैसर्गिक प्रेम। श्री वामन गोस्वामी पाद के अंदर नैसर्गिक प्रेम महाराज इतना ज्यादा कूट कूट करके भरा था कि वे वैष्णव और गुरु की सेवा पूरे के पूरे प्राण को विसर्जित करते हुए करते थे, इतना ज्यादा। और महाराज कैसे करते थे वे सेवा, उनकी सेवा होती कि जब वैष्णव प्रसाद पाते तो उससे पहले केले के पत्ते जो है नींबू नमक सब तैयार करके रख देते, केले के पत्तों को धो करके और सब तैयार करते,
कदली के पात लावे नौननी गुसात और पुलकित गात वैष्णव को पवाई के ऐसो सो हार्द मुख जाए न बखात सेवा में है सावधान प्रभु नाम गुण गाय के झूठा न उठावे मन ही में हर शावे मेरो भाग्य कौन गावे सौभाग्य सो पाई के ऐसे श्री वामन के चरण में बार बार चैतन्य चंद्र दास पड़े मस्तक को नाई के ऐसे श्री वामन के चरण में बार बार चैतन्य चंद्र दास पड़े मस्तक को नाई के महाराज उनकी झूठन उठाते जब सारे वैष्णव प्रसाद पा लेते तो उनकी झूठन उठाते ऊपर जो झूठे पत्ते हैं उनको फेंक करके आते महाराज ऐसा सौभाग्य अपने आप को पुलकते उनका शरीर पुलकायमान होता कि वैष्णव की सेवा हो रही महाराज इतनी सेवा करते बहुत सेवा करते वैष्णव की इस कारण से अपना पूरा का पूरा सारा का सारा अपना सारा दिनचर्या वैष्णवों की सेवा में बिताते महाराज एक बार क्या हुआ एक बार इनकी सेवा से प्रभुपाद अतिशय प्रसन्न होते इतने प्रसन्न होते इनकी सेवा से प्रभुपाद कि प्रभुपाद उनको अपनी निज सेवा भी दे देते अपनी निज सेवा मतलब ये प्रभुपाद जी के कपड़े भी धोते प्रभुपाद जी जब प्रसाद पाते तो उनके उनको कुछ कमी ना रह जाए इसका विशेषतम विशेष महाराज इसका विशेष ध्यान रखते तो एक बार क्या हुआ महाराज अच्छा विद्या का इनको कौशल बहुत था इनकी विद्या का कौशल महाराज इनको गौड़िया मठ की डिक्शनरी कहा जाता है इनका विद्या का कौशल देखिए ये इनके अंदर सब अप्राकृतिक गुण थे सारे के सारे अप्राकृतिक गुण अच्छा प्राकृतिक और अप्राकृतिक गुण में भेद है प्राकृतिक और अप्राकृतिक गुण में क्या भेद है देखिए प्राकृतिक गुण जो होते हैं वो अवस्था के साथ कम हो जाते हैं जैसे कोई व्यक्ति बहुत श्रुतिधर है जैसे विवेकानंद थे महाराज वो ऐसे श्रुतिधर थे कि दो चाइनीज आपस में बात कर रहे हैं यद्यपि विवेकानंद को नहीं पता चाइनीज बात कर रहे हैं एक दूसरे से और चाइनीज आती नहीं लेकिन उनकी वार्ता सुन करके तीसरे आदमी को उनकी पूरी की पूरी वार्ता चाइनीज में सुना देते हैं यद्यपि उनको चाइनीज नहीं आती इसको कहते हैं श्रुतिधर लेकिन ये भी श्रुतिधर थे दोनों में क्या भेद है वो प्रकृति उनमें महाराज वो प्राकृतिक गुण था इनमें अप्राकृतिक गुण था इनका दिव्य गुण ऐसा था महाराज कि कोई अवस्था किसी भी अवस्था में इनका गुण जो है वो ढल नहीं सकता जैसे महाराज अगर हम लोगों को कह दे कि भाई मानस जी की चौपाई है ना हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ ऐसे कहते हैं ना हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ भाई ये विधाता के हाथ में तो हम लोगों ने ये सुन लिया लेकिन महाराज ये पता चला कि यश अपयश ही भगवान के हाथ में यदि हमारा अपयश हो रहा है तो कोई बात नहीं भगवान की इच्छा है महाराज किसी ने थोड़ी देर बाद ही एक थप्पड़ मार दिया ना तो ऐसा अपयश उपयश तो सबको भूल भाल के उसको भूसा भर देगा ये है अप्राकृतिक और प्राकृतिक गुणों में भेद हम प्राकृतिक गुण वाले हैं इसलिए थोड़े टाइम तक ही वो गुण हमारे तक रहते हैं लेकिन जब अवस्था खत्म हो जाती है तो वो गुण जो है महाराज इरेज हो जाते हैं वो गुण चले जाते हैं लेकिन इनके अंदर महाराज विद्या के विद्यार्थी के पांच लक्षण इनमें प्रतिष्ठित होते हैं कौन कौन से पांच लक्षण काम चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारम ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम काग चेष्टा कौवे की तरह चेष्टा महाराज तुरंत उठ जाना तुरंत महाराज विद्या अध्ययन प्रभुपाद जी इनको कहते थे कि भैया तो एक श्लोक याद कर गीता का तो तेरे को एक टॉफी दूंगा तो महाराज इनकी चेष्टा ऐसी होती थी वो तो एक श्लोक कहते थे ये पूरा चैप्टर याद कर देते थे उतनी ही देर इतनी ज्यादा मेधा इनकी दिव्य मेधा बको ध्यान बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए कैसे जब बगुला पानी में खड़ा होता है एक पैर से तो महाराज एकदम से ध्यान करता है वो मछली सोचती है कोई ऋषि है तो जैसे ही ऊपर आती है वो बगुला तक नहीं सी उसको पकड़ देता है मछली को इसको कहते हैं बको ध्यान इनमें इनका ध्यान महाराज ऐसा अद्भुत ध्यान इनका महाराज एक बार क्या हुआ एक बार इनसे किसी विद्यार्थी ने पूछा कि महाराज जी आप ये बताइए आपको कितने श्लोक याद हैं तो ये बोले कि यदि मैं पूरे
हफ्ते श्लोकों को बोलता जाऊं तो भी श्लोक का मेरे मुख रूपी तरकश से श्लोक रूपी बाण खत्म नहीं होंगे, इतना ज्यादा मुझे श्लोक याद है। इस कारण से महाराज काक चेष्टा पको ध्यानम स्वान निद्रा कम निद्रा लेते थे। वैष्णवों की सेवा में महाराज अपने आप को समर्पित कर देना, पको ध्यानम स्वान निद्रा कथे वचन अल्पाहार, बहुत कम आहार लेते थे। अच्छा महाराज एक बार इनके आहार की बात बताऊं, एक बार क्या हुआ, वामन गोस्वामी महाराज जी के साथ जो उनके शिष्य रहते थे, उनके परिकर जो थे, उनको महाराज जी ने कहा कि भाई मुझको भूख लग रही है और तुम जो है मेरे लिए मतलब कुछ खाने की व्यवस्था करो, ठाकुर जी को भोग लगा करके और मुझे प्रसाद पावा। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, अब डेढ़ घंटा हो गया, डेढ़ घंटे तक तो प्रिपरेशन में समय लगेगा ही लगेगा। इतनी देर में जब प्रसाद महाराज रेडी होकर के श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के समीप आया, तब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने पा लिया, आप अभी तो बोल रहे थे कि आपको प्रसाद पाना है, आपने पाके से लिया। तब उन्होंने कहा मेरे किसी शिष्य ने मुझे भोग लगाया था, ठाकुर जी को भोग लगा करके मुझे पवा दिया महाराज, मानसिक भोग उन्होंने लगाया, मानसिक प्रसाद पा लिया उन्होंने। जब उस शिष्य को थोड़ा संदेह हुआ तो वो शिष्य गए उन्हीं माता जी के यहाँ, जब बता दिया श्री वामन गोस्वामी महाराज ने कि ऐसे ऐसे इस जगह में ये पाया मैंने, तब वहां पे जब पूछा गया तो महाराज वही पाया था जो वामन गोस्वामी महाराज जी ने बताया। ठीक है, उसके बाद विद्या बताई दिया कौशल। अच्छा महाराज और ये एक बार क्या हुआ, अच्छा ये बिल्कुल निडर है, निडर इनका व्यक्तित्व क्या है, ये बिल्कुल निडर थे, इनमें बिल्कुल भी डर नाम की कोई चीज नहीं थी, भय की चीज नहीं थी। अच्छा भय कैसे आता है कोई बताए, भय की उत्पत्ति कैसे होती है, भय द्वितीय अभिनिवेशितम, जब किसी अन्य वस्तु में हमारी आसक्ति होती है तब उस कारण से हमें भय उत्पन्न होता है। भगवान की लीला गुण रूप धाम आदि के अलावा यदि हमें किसी और में आसक्ति होती है तो वह आसक्ति भय का कारण बनती है। पर ये तो अप्राकृतिक गुणों से युक्त थे श्रीपाद वामन गोस्वामी महाराज, इनको कहां भय दिया महाराज, कहां भय इनको। एक बार क्या हुआ, इनको नरहरि प्रभु जी ने कहा कि तुम जाओ और चंपाहाटी चले जाओ, चंपाहाटी वहां से मायापुर से जब हम लोग नदी पार करते तो कम से कम 10-12 किलोमीटर से आगे चंपाहाटी पड़ती है, तो महाराज उनसे कहा कि जाओ और केले के पत्ते लेके आओ 500, चंपाहाटी जाओ और केले के पत्ते लेके आओ और नींबू लेके आओ। तो महाराज जी ये गए चंपाहाटी, एक बार बालक को नरहरि प्रभु भेजो, चंपाहाटी जाओ लाओ कदली के पात है, माथे धरी आज्ञा बिनु करी के अवज्ञा, प्रभु पाद को स्मरण करी गंगा पार जाते हैं, लोटत पुनि गंगा तीर के निकट बैठे श्रम अनुभव करी देख प्रेत हुको आते हैं, पर वैष्णव की सेवा को प्रताप उस बालक पे लेश मात्र तापों को भय न सतात है, पर वैष्णव की सेवा को प्रताप उस बालक पे लेश मात्र तापों को भय न सतात है। महाराज कहा जाकर के चंपाहाटी जाओ, तो जैसे ही वामन गोस्वामी महाराज जी चंपाहाटी गए और वापस आते वक्त महाराज 500 केले के पत्ते और 12 किलो नींबू लेकर के जैसे वापस आ रहे थे तो श्रम हो गया, ज्यादा अवस्था नहीं थी, छोटी अवस्था थी, 13 साल की अवस्था थी। अब वहां पे गए और जब लेके आए चंपाहाटी से वो, तो इनको श्रम हो गया, थक गए। थकते ही महाराज ये एक पेड़ के नीचे बैठ गए, जब पेड़ के नीचे बैठे तो महाराज वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक प्रेत को देखा इन्होंने। प्रेत को कैसे देखा, पूरा का पूरा सफेद वस्त्र धारण किया हुआ वो प्रेत, और महाराज जब ऊपर से नीचे श्रीपाद वामन गोस्वामी पाद की दृष्टि गई उनके पैरों में, तो देखा तो उनके पैर उड़ गए, लेकिन धन्य है भय कैसा महाराज, ये तो अप्राकृतिक गुणों से युक्त थे, किसी और श्री भगवान के नाम रूप लीला गुण आदि के अलावा इनको कहां किसी में आ सकती थी। तो महाराज इन्होंने देख करके क्या किया, उस प्रेत को, वो प्रेत को देखा और महाराज जी सहज खड़े हो गए और नताई गौर हरि बोल करते करते वहां से अपने आश्रम आ गए। ये निडरता है इनकी महाराज, वैष्णव में क्या गुण होने चाहिए, समस्त गुण समस्त लक्षणों से युक्त श्रीपाद थे। एक बार क्या हुआ, ये इनका 10वीं का रिजल्ट आया, जब इनका 10th क्लास का रिजल्ट आ गया तो महाराज श्रीपाद श्री प्रभु
जी विराजमान थे उन्होंने बुलाया और इनसे कहा, तुम्हारा दसवीं का रिजल्ट आ गया और तुम फेल हो गए हो। अगर हम होते तो क्या होता, हम होते बड़े ऐसे कैसे फेल हो गए हो, इतना बढ़िया तो पेपर करके आए थे, उस मास्टर की कैसे ऐसे हिम्मत थोड़ी है फेल कर देगा हमें। अभी देख अभी करें हम लोग क्लैरिफिकेशन करें, ये करें वो करें ये प्रोसीजर करें, लेकिन इनका भाव देखो महाराज, बिल्कुल सहज भाव से प्रभुपाद जी के सामने हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणिपात करते हुए बोले, प्रभुपाद जी आप गुरुदेव मैं फेल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जो वैष्णवों की सेवा बिना किसी महाराज प्रयोजन के निष्काम सेवा जो करता है वो इस एग्जाम में तो क्या जीवन के किसी एग्जाम में फेल नहीं हो सकता। ये है इनकी दिव्य मां। महाराज जी गदगद हो गए श्री प्रभुपाद जी और 15 वर्ष की अवस्था में इनको उन्होंने महाराज नाम दीक्षा प्राप्त करी, इनको हरिनाम दीक्षा प्राप्त करी। ऐसे हमारे दिव्य वामन गोस्वामी महाराज जी, महाराज जी समय कम था इसलिए थोड़ा सा ही उनका चरित्र छंदबद्ध करके श्रीपाद श्रीधाम अयोध्या जी में जब अभी दास की कथा हो रही थी तो दास ने सुबह जो है श्रीपाद श्री भरत जी का चरित्र गाया और शाम को हमारे वामन गोस्वामी महाराज जी का चरित्र वहां पर गाया। उन्हीं सभी शब्दों के साथ महाराज वांछा का कतरु दश कृपा सिंधु के पतिता नाम पावन श्री वैष्णव भले श्री भले श्री वामन गोस्वामी महाराज की। हाँ तुम गाओगे, बधाई गाओगे, आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इधर आ जाओ, आपका ऊपर बधाई गा रहे हैं, आपका जन्मतिथि। हाँ सब मिठाई लेकर ही जाना। हाँ बोलो फटाफट। गुलिबंद के लाला की जय, लाला जायो
गुरु गुरु राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मंजू विजय प्रभु।